नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी हॉरर स्टोरी सीरीज में, जहां हम आपको ऐसी डरावनी कहानियों से रूबरू कराते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज हम लेकर आए हैं एक खौफनाक कहानी उत्तराखंड की पहाड़ियों से, जहां एक डायन मरे हुए बच्चों को कब्र से निकालकर उन्हें जिंदा करती है और फिर कुछ ऐसा करती है जिसे सुनकर आप रातों की नींद खो बैठेंगे। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपकी धड़कने बढ़ा देगी। उत्तराखंड की पहाड़ियां, जहां सुंदरता और शांति अपने आप में एक अद्भुत दुनिया बसाती हैं, वहीं इन घने जंगलों और सुनसान घाटियों के पीछे कुछ ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जो सिहरन पैदा कर देती हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक घाटी की है जिसे लोग अब मौत की घाटी कहते हैं। वहां की भयावह घटना हर किसी को सदियों से खौफ में डालती आई है। लोग कहते हैं कि इस घाटी में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है जो मरे हुए बच्चों को कब्र से उखाड़कर उन्हें जीवित करती है और फिर मां की तरह उनसे प्रेम करती है, लेकिन बाद में उन्हें बेरहमी से मारकर खा जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव किरात से, जो उत्तराखंड की घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में आज भी पुरानी परंपराएं और रीति रिवाज जिंदा थे। गांव के लोगों का मानना था कि रात के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता, खासकर बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दिया जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय एक खतरनाक डायन जंगल से बाहर आती है, जो बच्चों को अपनी ओर खींच लेती है और फिर उन्हें अपनी अजीबोगरीब दुनिया में ले जाती है। कहानी के मुख्य पात्र अंशुल और उसका परिवार हाल ही में इस गांव में आकर बसे थे। अंशुल का पिता एक सरकारी अफसर था जिसे इस दूरस्थ गांव में पोस्टिंग मिली थी। अंशुल, उसकी मां और उसका छोटा भाई रोहन इस नए गांव में रहना तो चाहते थे, लेकिन यहां की रहस्यमय कहानियों ने उन्हें डरा दिया था। गांव के बुजुर्गों से एक रात अंशुल को पता चला कि ये डर सिर्फ एक कहानी नहीं थी। गांव में लगभग 20 साल पहले एक ऐसा वाक्या हुआ था जिसे कोई भूल नहीं पाया। पास के जंगल के अंदर एक पुरानी कब्रगाह थी, जहां कई साल पहले एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था। वो औरत गांव में बच्चों को चोरी कर ले जाती थी। लोगों ने उसे मार डाला और उसे उसी कब्रगाह में दफना दिया, लेकिन मौत ने उसे नहीं रोका। धीरे धीरे गांव में कहानियां फैलने लगीं कि वह औरत मरे हुए बच्चों को कब्र से निकालकर जिंदा करती है, फिर उन्हें अपनी गोद में लेकर खेलाती है, उन्हें प्यार देती है और फिर अंत में उन्हें मारकर खा जाती है। अंशुल को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि ये सब अंधविश्वास हैं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। रोहन, उसका छोटा भाई जो 8 साल का था, अचानक एक रात गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने में लग गया, लेकिन रोहन का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन गांव के कुछ लोग कब्रगाह की ओर गए। वहां उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ताजी खुदी कब्र के पास रोहन जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी हालत ठीक थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब डर था। गांव वालों ने इसे चुड़ैल का काम बताया, लेकिन अंशुल अब और भी बेचैन हो गया था। उसे यह जानना था कि रोहन के साथ असल में क्या हुआ था। अंशुल ने फैसला किया कि वो खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब गांव सो रहा था, अंशुल चुपके से उस कब्रगाह की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी, दिल में डर और दिमाग में अनगिनत सवाल। वह कब्रगाह तक पहुंचा और वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। कब्रगाह के बीचों बीच एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें बड़ी बड़ी और खाली। वह कुछ मरे हुए बच्चों को गोद में लिए बैठी थी और उन्हें दुलार रही थी। अंशुल की सांसें थम गईं। वो औरत एक मां की तरह उन बच्चों के साथ पेश आ रही थी। लेकिन तभी उसने एक बच्चे को उठाया, उसे पास लाकर गले लगाया और अचानक उसकी गर्दन मोड़ दी। बच्चा मर गया और फिर उस औरत ने उसे खाने के लिए उठाया। अंशुल ने तुरंत भागने की कोशिश की,
लेकिन उसकी टॉर्च का गिरना और उसकी आवाज ने उस चुड़ैल को सतर्क कर दिया। चुड़ैल ने अंशुल की ओर देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ी। अंशुल किसी तरह गांव की ओर भागा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो चुड़ैल उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाली। उस रात के बाद से अंशुल को हर समय किसी की निगाहें अपने ऊपर महसूस होती थी। उसे ऐसा लगता जैसे वो चुड़ैल उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। कुछ दिन बाद गांव में और भी बच्चों के गायब होने की खबरें आने लगीं। गांव वाले अब पूरी तरह भयभीत थे और उन्होंने फैसला किया कि इस डायन का अंत करना ही पड़ेगा। गांव के कुछ बहादुर लोग, जिनमें अंशुल भी शामिल था, एक रात उस कब्रगाह में गए। उनके हाथों में मशाले और पूजा के सामान थे। उन्होंने तय किया कि उस डायन का अंत करने के लिए उन्हें उसकी कब्र को जलाना होगा। जब वे वहां पहुंचे तो डायन पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने एक भयानक चीख के साथ उन पर हमला कर दिया। उसकी शक्तियां अकल्पनीय थीं। उसने हवा में उड़ते हुए गांव वालों पर हमला किया, लेकिन अंशुल और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कब्र को जलाना शुरू किया और जैसे जैसे आग फैलती गई, डायन की चीखें और जोरदार होती गईं। आखिरकार डायन जलकर राख हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन अंशुल को एहसास हुआ कि इस भयानक मुठभेड़ का अंत अभी नहीं हुआ था। डायन ने जाते जाते अंशुल के कानों में एक भयानक सच्चाई कह दी थी, मैं कभी नहीं मरूंगी, हर बार जब कोई बच्चा इस घाटी में कदम रखेगा, मैं वापस आऊंगी। डायन के खात्मे के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई थी, लेकिन अंशुल अब भी उस घटना को भुला नहीं पाया था। हर रात उसे उस चुड़ैल के सपने आते थे और वो सपने धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगे। अंशुल को ऐसा लगता था जैसे डायन उसके घर में वापस आ गई हो। एक रात जब अंशुल सो रहा था, उसने अचानक अपने कमरे में किसी के होने का एहसास किया। वो धीरे से उठा और देखा कि रोहन अपने बिस्तर पर नहीं था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और तभी उसने खिड़की के पास खड़ी उस डरावनी छाया को देखा। अंशुल समझ चुका था कि डायन अब उसके परिवार के पीछे है। उसने उसी रात फैसला कर लिया कि वो किसी भी तरह इस अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म करेगा। वह गांव के सबसे पुराने तांत्रिक के पास गया, जो इस तरह की आत्माओं को वश में करने में माहिर था। तांत्रिक ने बताया कि डायन की आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसकी असली कब्र को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता। अंशुल ने तांत्रिक की मदद से उस जगह को ढूंढ निकाला जहां असली डायन को दफनाया गया था। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने मंत्रों के जरिए उसकी आत्मा को वश में किया और उसकी कब्र को नष्ट कर दिया। इस बार डायन की चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरा जंगल हिल गया, लेकिन आखिरकार डायन हमेशा के लिए खत्म हो गई। डायन के अंत के बाद अंशुल का परिवार फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई, लेकिन अंशुल के दिल में अब भी वो डर बना हुआ था कि कहीं डायन की आत्मा वापस न लौट आए। वह समझ चुका था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। उत्तराखंड की पहाड़ियां अब भी अपनी छाती में न जाने कितने ऐसे खौफनाक राज छुपाए हुए हैं जिन्हें जानना हर किसी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड की मौत की घाटी की खौफनाक कहानी। क्या आपको भी इस डायन की कहानी ने डराया? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। रात में अकेले बाहर मत जाइएगा।